सो भाई कल के दिन यहाँ पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो गाइस, किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद वो मेरे ब्रेन में भाई साहब यहाँ पर एक डैमेज हुआ था। उस डैमेज को बचाने के लिए भाई मैंने काफ़ी अच्छे खासा नींद मारा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सोया एंड आज भाई साहब फाइनली एक काफ़ी मुश्किल सफ़र के बाद गाइज मैंने यहाँ पे देखी चेंगेज। और चेंगेज कैसे नहीं देखता, मतलब सीरियसली यार, जिस मूवी से सब किसी के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है, इस मूवी का बज़ वगैरह काफ़ी अच्छा खासा था नॉर्थ के अंदर। अब देखो मैं सच बताऊंगा ना, तो जी सर को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब कहीं ना कहीं उनकी किसी एक ऐसी फिल्म को मेरे हिसाब से किसी भी ऑडियंस नॉर्थ साइड में तो स्पेशली तौर पर नहीं देखा होगा, हर किसी के लिए नए चेहरे थे। एंड अगर इस मूवी की बात करते हैं स्पेशली भाई साहब, ये मूवी इतनी स्पेशल क्यों हो जाती है, इस मूवी इतनी स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि भाई साहब इस मूवी के अंदर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसके गाने, इसके सिनेमेटोग्राफी, इसका डायरेक्शन, इसके कैरेक्टर्स, भाई चेंगेज़ का अपना खुद का कैरेक्टर, एक एक चीज़ बनाने में, सेटअप करने में भाई साहब इतनी मेहनत इन लोगों ने की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्हें कहीं ना कहीं लोग काफ़ी पसंद इनके गाने स्पेशल तौर पे, जिसको नॉर्थ साइड की ऑडियंस ने भाई साहब बंगाली वर्जन से ज़्यादा सपोर्ट किया, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मतलब बस इस मूवी का बना था नॉर्थ साइड में। लेकिन जब इस मूवी को मैंने देखा ना, तो मैं बस ये बोलूँगा भाई कि मूवी काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है। एंड मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, क्योंकि इसका टीज़र वगैरह, इसका गाने वगैरह इतने दमदार थे कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है यार कि अगर आप मूवी लवर है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देख करके आपके अंदर काफ़ी अच्छे खासा माहौल बन जाता है। बट अगर आपने इस मूवी को देखने से पहले अगर आपने किसी के भाई किसी की जान देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता होता है कि भाई जब इतनी बड़ी मूवी ने डिसअपॉइंट कर दिया तो चेंगेज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस रखना। बट चेंगेज़ गाइस मैं कहूँगा उतना आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है, चेंगेज कहीं ना कहीं आपको बोर भी नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ नया भी आपके सामने नहीं रखती है। जो भी चीज़ें रखते हैं काफ़ी आप हो सकते हैं परफेक्ट वे में आपके सामने रखते हैं, परफेक्ट तरीके से आपको मतलब कुछ ऐसा देते हैं जिसको आप देखते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। और आपको एक पता होता है कि भाई इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 करोड़, मतलब सीरियसली 8 से 10 करोड़ के अंदर आज जहाँ बॉलीवुड के अंदर कोई एड शूट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसे टाइम पर भाई साहब यहाँ पर बंगाल इंडस्ट्री के अंदर एकदम फिल्म अपने सामने पेश होकर रखी है, वो भी पैन इंडिया। ये जब आपको दिमाग में रहता तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं कि हाँ यार मतलब वाकई मूवी काफ़ी अच्छी खासी, मूवी के अंदर बिल्कुल कुछ नया नहीं है, लेकिन काफ़ी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को दिखाया गया है कि इस तरह से हमारा चेंगेज़ बनता है और किस तरह से वो मतलब एक गैंगस्टर इतना बना बन जाता है कि उसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, स्पेशल तौर पर क्लाइमेक्स का जो सरप्राइज थोड़ा बहुत वो काफ़ी अच्छा खासा आपको लगता है। बाकी इतना कुछ खास नहीं था, गाने काफ़ी दमदार थे, मज़ा आया। एंड मैं रिकमेंड करूंगा हर उस बंदे को जो यहाँ पर किसी भी नई इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहता है, आप बिंदास जाकर के इस मूवी को देख सकते हैं यार, मतलब सीरियसली एक बार देखना बनता है, काफ़ी अच्छी खासी फिल्म है। एंड स्पेशली तौर पर भाई साहब यहाँ पे बंगाल के जितने फैंस हैं, भाई साहब जीत दादा की जितने फैंस है वो तो भाई डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब बंगाल के अंदर तो मूवी मचा रही है। अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पर इस मूवी के कलेक्शंस को ले, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी कलेक्शंस आना चालू हो गए। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कलेक्शंस गाइस डेफिनेटली डे नंबर 1 के ऊपर। अब देखो मेरे को मालूम था कि भाई मूवी हिंदी में कम कमाएगी, क्योंकि भाई मूवी को हिंदी में शोज़ मिले ही नहीं, मतलब सीरियसली इतने सारे शोज, इतने सारे थिएटर्स, बट सारे के सारे थिएटर्स भाई साहब यहाँ पे दिमाग खाने वाले, किसी का भाई किसी के जान ले गई। एंड इसको सिर्फ और सिर्फ शोज़ मिले थे हिंदी साइड में लगभग 180 से 200 के आसपास इसको शोज़ मिले थे। एंड गाइज यहाँ पर उतने शोज़ में भी मूवी ने गाइज यहाँ पे कलेक्शंस किए थे डे नंबर 1 के लिए लगभग 10 लाख, एंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ख़राब कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करते हैं भाई साहब बंगाल, सो मेरे भाई मतलब बंगाल के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से, स्पेशली तो भाई साहब कलकत्ता के अंदर इनके फैंस ने, भाई साहब जीत दादा के जो फैंस है, भाई साहब बॉस के जो फैंस है, इतने ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट किया भाई साहब डे नंबर 1 के ऊपर। 25 लाख भाई साहब यहाँ पे मूवी ने कलेक्शंस की, एंड डे नंबर 1 के ऊपर टोटल कलेक्शंस आए 35 लाख। और मैं आपको बता दूं भाई साहब डे नंबर 2 के, यस गाइस डे नंबर 2 के जो यहाँ पे ऑक्यूपेंसीज आए भाई साहब बंगाल साइड से, सीरियसली ये आपके होश उड़ा देंगे भाई साहब। यहाँ पे 25% से लेकर के स्टार्टिंग है, 35%, 45%, 55% तक भाई साहब ऑक्यूपेंसी देखी गई थिएटर्स के अंदर। एंड दिस इज द ट्रूथ भाई साहब बंगाल के अंदर आज भाई साहब सेकेंड डे पे मूवी डबल ट्रिपल कलेक्शंस लेकर के आ रही है। यस मतलब सीरियसली डबल ट्रिपल कलेक्शंस मूवी बंगाल से
आज अपने सेकेंड डे पे ही कर रही है। अगर बताऊं भाई साहब मूवी का आज का सीरियसली मतलब आज का यहाँ पर सेकेंड डे का जो कलेक्शंस के अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे भाई साहब, यहाँ पर मूवी मोर देन 1 करोड़ कलेक्शंस करने की हिम्मत दिखा रही है। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट भाई साहब। कहीं ना कहीं हिंदी ऑडियंस ने भी इस कंटेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड जाहिर सी बात है और क्या चाहिए किसी बंगाली फिल्म के लिए, मतलब हिंदी ऑडियंस कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। ऊपर से भाई साहब ब्लॉकबस्टर कलेक्शंस तो भाई साहब यहाँ बंगाली मूवी कर ही लेगी। सो आज कहीं ना कहीं मूवी अच्छे खासे कलेक्शंस करके 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली। एंड इसी के साथ भाई साहब मूवी का 2 दिनों का जो भाई साहब यहाँ पर नेट इंडिया कलेक्शन हो जाएगा अराउंड भाई साहब यहाँ पे 1 करोड़ और 35 से लेकर 40 लाख के बीच में। एंड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली खुशी की बात है। मतलब सीरियसली यार 8 से 10 करोड़ के अंदर आप कोई मूवी बनाते हैं एंड इस मूवी को इतना कोई सपोर्ट करता है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। एंड ऊपर से भाई साहब जिस बंदे ने किसी का भाई किसी की जान देख लिया हो तो उसके लिए तो ये मूवी मतलब एक अच्छा खासा गिफ्ट ही है और क्या ही बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा आप जाकर के इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप बॉलीवुड मूवी लवर हैं तो भी आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। अगर आप भाई साहब यहाँ पर जी सर के फैंस हो भाई आपको बोलना है क्या, 2 बार देखो 3 बार देखो, अपने फैमिली को ले जाओ, फ्रेंड्स को ले जाओ एंड जबरदस्त तरीके से एंजॉय करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपका क्या सिचुएशन है प्लीज़ कमेंट करना, आपको मूवी कैसी लगी थी एंड क्या लगता है क्या मूवी भाई साहब कुछ ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड्स बना पाएगा या फिर नहीं, खासतौर पर बंगाल के अंदर। प्लीज़ कमेंट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।